तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज बात करेंगे एक हॉलीवुड ज़ॉम्बी मूवी आर्मी ऑफ द डेड के बारे में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आर्मी वाले एक कंटेनर लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन उस कंटेनर में क्या है किसी को भी नहीं पता था। लेकिन उसमें कोई बड़ी चीज थी क्योंकि सिक्योरिटी बहुत हाई थी। उसी रोड पर दूसरी तरफ एक न्यूली कपल एंजॉय कर रहे होते हैं। फन के चक्कर में ये लोग भूल जाते हैं कि वो लोग सड़क पर हैं। तभी सामने से आ रहे आर्मी ट्रक से उनकी कार ठुक जाती है और वो कंटेनर ट्रक से उतरकर दूर जाकर गिरता है। आर्मी के जवान इस कंटेनर को चेक करने जाते हैं। तभी आर्मी कंट्रोल रूम से उन्हें मैसेज मिलता है कि उस कंटेनर से दूर रहें और वहां से जल्द निकले। लेकिन उसमें से एक अजीब सी चीज बाहर निकल आती है। जी हाँ, वो एक ज़ॉम्बी था। वो सारे सोल्जर्स को मार देता है। ये ज़ॉम्बी कोई ब्रांडेड ज़ॉम्बी नहीं था, बल्कि इसमें सोचने समझने की क्षमता थी जो इसे और खतरनाक बना रही थी। अब ये उन दो सोल्जरों को काटकर अपने जैसा बना देता है। अब ये दोनों सोल्जर इसी के साथ मिल जाते हैं और अब ये तीनों लॉस वेगस को टारगेट करके वहां के सभी लोगों को इन्फेक्टेड करके अपनी आर्मी तैयार करते हैं। अब हम स्कॉट को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ मिलकर लोगों को उन से बचा रहे थे। ये ज़ॉम्बी बहुत तेज और खतरनाक थे। गवर्नमेंट शहर के चारों तरफ कंटेनर की दीवार बनवा देती है जिसे वो ज़ॉम्बी पार नहीं कर पाते। अब स्कॉट सब कुछ छोड़कर एक रेस्टोरेंट चला रहे थे। एक दिन उनके रेस्टोरेंट में एक अमीर बिजनेसमैन आता है। वो स्कॉट से बात करता है। वो कहता है कि तुम्हें तो पता है गवर्नमेंट ने शहर को सील किया हुआ है, तुम मुझे तो जानते ही होगे। मैं एलए में कसीनो चलाता हूं। लेकिन ज़ॉम्बी अटैक के बाद गवर्नमेंट ने वहां लॉकडाउन लगा रखा है। कसीनो में मेरे $200 मिलियन पड़े हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट से मदद नहीं ले सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। अगर तुम मुझे मेरा पैसा लाकर दोगे तो मैं तुम्हें $50 मिलियन दूंगा। स्कॉट पहले तो इस काम को करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, लेकिन 50 मिलियन की रकम उसकी जिंदगी बदल देगा तो वो मान जाता है। वो बिजनेसमैन कहता है कि तुम्हारे पास 36 घंटे हैं वो पैसा लेकर वहां से निकलने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट वहां ब्लास्ट करने वाली है जहां ज़ॉम्बी हैं। इसलिए अपनी टीम तैयार करो। और वो स्कॉट को वहां का ब्लूप्रिंट देकर चला जाता है। अब हम स्कॉट की बेटी को देखते हैं जो लॉस वेगस के बाहर लगे रिफ्यूजी कैंप में रह रही थी। उसके साथ एक लड़की और रह रही थी जिसके दो बच्चे थे। वो स्कॉट की बेटी से कहती है कि उसे दीवार के उस पार जाना है, वो वहां से कुछ पैसे लेकर वापस आ जाएगी जिससे उसे इस जगह नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन स्कॉट की बेटी उसे थोड़ा इंतजार करने को कहती है क्योंकि ये बहुत खतरनाक था। वो पहले ही अपनी माँ को खो चुकी थी। उसकी माँ भी ज़ॉम्बी बन गई थी जिससे स्कॉट को उसे ना चाहते हुए मारना पड़ा, इसलिए वो अपने डैड के साथ नहीं रहती। अब स्कॉट टीम तैयार करते हैं जिसमें उसके वही पुराने साथी और कुछ नए मेंबर होते हैं। उसकी टीम में 5 लोग होते हैं जिसमें 2 लड़कियां और 3 लड़के होते हैं और बाकी के साथी। अब ये सब उस बिजनेसमैन से मिलने जाते हैं जहां वो इन्हें पूरा प्लान बताता है। वो कहता है तुम्हें अंदर घुसकर उन ज़ॉम्बियों से बचते हुए कैसीनो में जाना है जहाँ तुम्हारा पायलट उस हेलीकॉप्टर को तैयार करेगा जो पहले से ही वहाँ है, और दूसरा उस तिजोरी को खोलेगा और सब लोग पैसा लेकर वहाँ से निकल जाएंगे। वो बिजनेसमैन अपना एक आदमी उनके साथ भेजता है जो उन पर नजर रखेगा। वो बिजनेसमैन कहता है कि एलए में घुसने का जुगाड़ तुम्हें खुद लगाना होगा। अब स्कॉट अपनी बेटी की मदद लेते हैं जो इस रिफ्यूजी कैंप में रह रही थी। तभी स्कॉट की बेटी को पता चलता है कि वो लड़की अंदर चली गई थी। अब स्कॉट की बेटी स्कॉट से अंदर जाने को कहती है, लेकिन स्कॉट उसे मना कर देता है, लेकिन वो नहीं मानती है। जिस पर स्कॉट कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम हमारे साथ रहोगी। वो अपना सामान लेकर एक कंटेनर के रास्ते वहाँ से बाहर निकल जाते हैं जहाँ पर मरे हुए लोगों की लाशें पड़ी थी और वहाँ पर सब कुछ उजाड़ हुआ पड़ा था। अब उनके सामने एक ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है जिसे देखकर वो लोग छुप जाते हैं। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो पास में खड़े गार्ड के पैर पर गोली मारकर उसके हाथ पैर बांध देती है। वो लोग उससे पूछते हैं तो वो बताती है कि यहाँ पर 2 तरह के ज़ॉम्बी हैं। पहले तो वो जो दिमाग से डेड है और दूसरे वो जो समझदार है, इसलिए अगर हमें अंदर जाना है तो उनसे समझौता करना पड़ेगा और समझौते में हमें उन्हें एक आदमी देना पड़ेगा, तभी वो हमें अंदर जाने देंगे। उसके बाद वो लोग उस कैसीनो में जाते हैं जहाँ वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी खड़े खड़े सो रहे होते हैं। वो लोग धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए उनके बीच में से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक पीछे चल रही लड़की से पास में रखे बर्तन गिर जाते हैं जिसकी आवाज सुनकर वो ज़ॉम्बी जग जाते हैं और उस लड़की पर हमला कर देते हैं। काफी देर तक वो लड़की उन ज़ॉम्बियों का सामना करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बियों की भीड़ में दब जाती है और वो ज़ॉम्बी उसे मार देते हैं। उसके बाद वो लोग कैसीनो के अंदर पहुंच जाते हैं और सारी लाइट्स ऑन कर देते हैं। वो लोग तिजोरी तक पहुंच जाते हैं जहां तिजोरी खोलने वाला लड़का उन्हें कहता है कि यहां कोई ना कोई सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। इसे चेक करने के लिए वो लोग एक ज़ॉम्बी को लेकर आते हैं। अब वो लोग उसे तिजोरी की तरफ भेजते हैं जहां उसके पैर से जमीन पर लगा बटन दब जाता है जिससे उस पर गोलियां चलने लगती हैं और उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग उस लड़की और उस गैंगस्टर के आदमी को देखते हैं जो बाहर ही रुककर नजर रख रहे थे। तभी वहां ज़ॉम्बियों के लीडर की वाइफ आ जाती है जो खुद भी एक ज़ॉम्बी है। अब वो गैंगस्टर का आदमी उसकी गर्दन काटकर अपने बैग में रख लेता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि तुमने ये सही नहीं किया। उसके बाद उन्हें न्यूज़ मिलती है कि सरकार थोड़ी देर में वहां बम गिराने वाली है। ये सुनकर वो लोग टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक एक भी पैसा नहीं चुराया। उसके बाद वो लोग स्कॉट के ऑर्डर पर तिजोरी को तोड़ देते हैं और सारा पैसा बैग में भरने लगते हैं। अब वहां ज़ॉम्बियों का लीडर आ जाता है। वो देखता है कि वो लोग उसकी वाइफ को मारकर उसका सर काटकर ले गए, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी सारी ज़ॉम्बी आर्मी को उन्हें मारने का हुक्म देता है। उसके बाद पूरी ज़ॉम्बी आर्मी उन्हें फाड़कर खाने के लिए तैयार थी। पूरी ज़ॉम्बी आर्मी उस कैसीनो की तरफ बढ़ जाती है। अब स्कॉट और उसकी दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। अब सारे ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं। इन सब के चलते फिल्म के बीच में एक ट्विस्ट आ जाता है। जब वो सब लोग भाग रहे होते हैं तभी अचानक उस गैंगस्टर का आदमी उन्हें धोखा दे देता है और उस गेट को बंद कर देता है। वो लोग उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि ये सब हमारा प्लान था, तुम्हें यहाँ फंसाकर सारा पैसा और उस ज़ॉम्बी लीडर की वाइफ का सर लेकर निकलने का।
क्योंकि उसके बाद हम सभी जोम्बियों को जब वहाँ से निकलकर वो बैग चेक करता है तो उसमें जोम्बी लेडी के सर की जगह एक मशीन रखी होती है और उसकी बेकार किस्म। वहाँ वो जोम्बी टाइगर आ जाता है जो उसे एक दर्दनाक मौत देता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलकर एक बेसमेंट में आ जाते हैं जहाँ सारे जोम्बी एक साथ मिलकर इन पर हमला कर देते हैं। अब वो जोम्बी स्कॉट के एक साथी को काट लेता है तो स्कॉट बम से उस जगह को उड़ा देता है। अब ये लोग उन जोम्बियों से बचते बचाते बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ जोम्बियों का लीडर आ जाता है। अब स्कॉट को वहाँ से निकालने के लिए वो लड़की जोम्बी लेडी का सर निकालकर उस पर बंदूक तान देती है जिससे वो जोम्बी लीडर वहीं रुक जाता है। पर जैसे ही उस लड़की की नजर जोम्बी से हटती है इसका फायदा उठाकर उस पर भाला फेंक कर मारता है जो उस लड़की के आर पार हो जाता है। पर वो लड़की भी हार नहीं मानती, वो जोम्बी लेडी का सर नीचे फेंक देती है जो नीचे गिरकर फट जाता है, जिस पर वो जोम्बी लीडर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब स्कॉट हेलीकॉप्टर की पायलट से कहता है कि मेरी बेटी लापता है, हमें उसे ढूंढना होगा। और वो लोग उसकी बेटी को बचाने के लिए निकल जाते हैं और वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल ही रहा होता है तभी वहाँ जोम्बी लीडर आ जाता है और उस हेलीकॉप्टर में घुस जाता है। अब इन दोनों की लड़ाई होने लगती है, वो जोम्बी स्कॉट को काट लेता है। अब जैसे तैसे करके स्कॉट जोम्बी को मार देता है लेकिन इस लड़ाई के दौरान उस पायलट को गोली लग गई जिससे वो भी मर जाती है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। जब वो हेलीकॉप्टर से उतर जाते हैं तो स्कॉट अपनी बेटी से बोलता है कि मुझे जोम्बी ने काट लिया, तुम मुझे गोली मार दो। और फिर उसकी बेटी को मजबूरी में अपने बाप को मारना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि स्कॉट का एक साथी अभी भी जिंदा है और सारा पैसा उसी के पास है। जब वो प्लेन से जा रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसे भी एक जोम्बी ने काटा है और अब वो भी जोम्बी बन रहा है। और मूवी इसी के साथ समाप्त हो जाती है।